जय श्री राम सभी भक्तों को राम राम। अभी हम आज पहुंचे हैं अयोध्या, क्योंकि 22 जनवरी को होने वाली है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, जिसकी तैयारी अयोध्या में बहुत जोर शोर से चल रही। तो आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि कैसी तैयारियां चल रही हैं 22 जनवरी के लिए, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली हैं आने वाले भक्तों के लिए, और कैसे आप राम मंदिर आके राम जन्मभूमि दर्शन कर सकते हैं। कब से मंदिर के अंदर जो कॉमन भक्त हैं, जो आम आदमी है, उसके लिए दर्शन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आज आपको पूरी अयोध्या विजिट कराने वाले हैं, आखिर कहाँ कहाँ पे अयोध्या में काम चल रहा है, कैसे पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, कैसे भगवान राम के आगमन के लिए पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में बना भव्य राम मंदिर दुनिया भर में चर्चा में है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। फिलहाल मंदिर के साथ साथ पूरे अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं आखिर कैसी तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में। ये हैं अयोध्या की गलियां, यही जो आप रास्ता देख रहे हैं यही रास्ता सीधे जाके राम पथ पे जाता है। इसी रास्ते से आगे राम पथ के लिए रास्ता जाता है, जहां से राम कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है उसी रास्ते से जाते हुए भक्तगढ़ जाके राम मंदिर में दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम चल के आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसा बन रहा है राम पथ और कैसे हो रहा है निर्माण राम पथ पर। ये जो भी आप सामने देख रहे हैं यहीं से राम पथ का निर्माण कार्य चालू है। ये आप ठीक सामने देख रहे हैं दोनों तरफ बड़े बड़े खंभों का निर्माण किया जा रहा है, इस पे नक्काशी उकेरी जा रही है। पूरी 22 जनवरी की तैयारी यहाँ पे जोरों से चल रही है और यही रास्ता सीधे जाता है राम मंदिर के लिए। इसी रास्ते से जाते हुए भक्तगढ़ राम मंदिर पहुँचेंगे और राम मंदिर में पहुँचने के बाद भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। तो चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं आखिर कैसा बन रहा है राम पथ, कौन कौन से काम चल रहे हैं अभी राम पथ पे। अभी हम हैं राम पथ पे, ये जो आप देख रहे हैं पूरे राम पथ का निर्माण यहाँ अयोध्या में कराया जा रहा है। जो मेन गली उसके ठीक सामने से सीधे कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। आप इसी रास्ते से होते ठीक सामने देख रहे हैं मंदिर है, मंदिर के अंदर अभी कैमरा अलाउ नहीं किया गया है। ठीक पीछे आप देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी क्रेनें दिख रही वहीं पे हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। तो इसी रास्ते से जाते हुए भक्त जाके राम भगवान के दर्शन करेंगे और इसी रास्ते में आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, जैसे कि लॉकर रूम की सुविधा, पार्किंग की सुविधा। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से तैयारियां की जा रही हैं, टीन से वगैरह भी डाला जा रहा है, अगर बरसात होती है कोई दिक्कत होती है तो टीन से के नीचे भी जितने भक्तगण आते हैं वो रुक सकते हैं। ठीक सामने आप देख रहे राम पथ की दोनों तरफ ऐसे दीवालों का निर्माण किया गया है, इन पे पत्थर लगाया जा रहा है और इस पे बहुत सुंदर तरीके से डिजाइनें दी जा रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर कैसे हो रहा है यहाँ पे पूरी अयोध्या को संवारने का काम, जो कि बहुत ही तेजी से चल रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन शेष बचे हैं अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। मतलब आज 22 तारीख और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पे वर्क चालू है, ये देखते हैं। अभी हम राम पथ से आगे आने के बाद चल रहे हैं हनुमानगढ़ी। कहते हैं अगर आप अयोध्या जी आते हैं तो राम भगवान के दर्शन करने से पहले आपको हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी के दर्शन करने पड़ते हैं। तो अभी जो आप ये रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता है आगे से, इसी रास्ते से राम पथ का निर्माण है। और इसी से पहले अगर आप आते हैं बाईपास से तो सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी वाला रास्ता बनेगा, वहाँ पर भी भक्ति पथ का निर्माण किया जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं हम लोग भक्ति पथ पहुँचने वाले हैं, उससे पहले इस रास्ते पर भी आप देखेंगे तो दोनों तरफ एक ही तरह से दुकानों का निर्माण किया गया है। दोनों तरफ जो दुकानें बनी हैं उनके जो बोर्ड हैं वो भी एक तरह से ही बिल्कुल डिजाइन कराए गए हैं। यहाँ तक जितनी भी दुकानें आप देखें सब कुछ एक डिजाइन का ही दिखने वाला है अगर आप अयोध्या जी आते हैं तो। रास्ता ही सीधे राम पथ के लिए जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों तरफ बहुत अच्छे से ही डेकोरेट किया जा रहा है, तैयारी चल रही है श्री राम भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की। और पूरी गलियों को ना एक थीम दी जा रही है, मतलब एक ही थीम पे पूरी गलियां हैं, जितनी भी दुकानें हैं सब कुछ एक। जय श्री राम, जय श्री। गढ़ी को जाता है, पहले इसी रास्ते सभी लोग दर्शन करने जाते थे, अब ये रास्ता भी आप देखेंगे तो काफी चौड़ा कर दिया गया है और दोनों तरफ जो दुकानें थी वो छोटी हो गई, लेकिन काफी अच्छे से इनको सजाया गया है।
अभी हम पहुंचे हनुमानगढ़ी, ठीक सामने आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी, ये मंदिर है। कहते हैं राजा राम के दर्शन करने से पहले यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। तो यहाँ का जो रास्ता है वो भी पूरी तरीके से चौड़ा हो चुका है। आप जब पहले कभी अयोध्या आएंगे देखेंगे यहाँ पे बहुत पतले पतले रास्ते हुआ करते थे, लेकिन अब इस रास्ते को भी पूरी तरीके से चौड़ा कर दिया गया। और यहाँ पे भी जो रास्ते बने हुए हैं उनको का भी जो सौंदर्यीकरण है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। और भीड़ मैं आपको बताऊँ इतनी ज़्यादा है, ये देखिए अभी से ही जितने भी राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुँच रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली, उसके बाद भगवान श्री राम सभी भक्तों को वहीं दर्शन देंगे, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या में भक्तों की जो भीड़ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यह है हनुमानगढ़ी स्थित हनुमान जी का मंदिर। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा भक्तगण अभी से अयोध्या में आके प्रभु हनुमान के दर्शन करें और फिर जाके राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। और राम मंदिर का जो व्यू है वो अभी जब आप दर्शन करने जाते हैं तो दिखता है कि कैसा आखिर बन रहा है राम मंदिर। तो हमने भी यहाँ पे दर्शन किए, दर्शन करने के बाद जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने और आपको ले चलेंगे राम की पौड़ी। राम की पौड़ी पे भी बहुत ही अच्छे से सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है और वहाँ पे भी लेज़र लाइट का जो आपको नज़ारा देखने को मिलने वाला है बहुत ही अद्भुत होने वाला है। तो पहले दर्शन करते हैं फिर चल के सीधे आपसे मिलते हैं राम की पौड़ी पे। हनुमानगढ़ी का पीछे वाला रास्ता देखिए, यहाँ पे ही पूरी तोड़ फोड़ की गई है, इसका भी इधर पुनर्निर्माण कार्य चालू होने वाला है, इसलिए यहाँ पे भी काफी तोड़ फोड़ देखने को मिल रही है। ये है राम की पौड़ी। राम की पौड़ी अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए मुख्य स्थल है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलने और रात के समय यहाँ पे जो लेज़र लाइट का शो होता है, जो यहाँ का लाइटिंग सिस्टम है बहुत ही सुंदर होता है। तो अभी यहाँ शाम होने वाली ही वेट करेंगे और आपको दिखाएंगे आखिर कैसा होता है रात का नज़ारा राम की पौड़ी का। उससे पहले आपको चल के दिखाते हैं आखिर रास्ते पर क्या काम चालू है, कैसे रास्तों का निर्माण किया जा रहा है, कौन कौन सी डिजाइनों से रास्तों को सजाया जा रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको ले चलते हैं अयोध्या बाईपास। अयोध्या में इस समय हम खड़े हैं और ये है अयोध्या बाईपास। आगे से जाके ही राम पथ के लिए रास्ता जाता है, हनुमानगढ़ी के लिए रास्ता जाता है। इस रास्तों को भी भाई बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है। क्या आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरे राम भगवान का जो जीवन था, उनकी जो चीज़ें थी, उनका चित्रण बहुत अच्छे से यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ का कार्य पूरा हो चुका है, कुछ पे अभी पेंटिंग का काम चालू है। तो दोनों तरफ रास्ते के, इस तरफ भी रास्ते को, उस तरफ भी ऐसी पेंटिंग के द्वारा पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वैसी पेंटिंग का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी इसका निर्माण चालू है। कल शाम तक ये पेंटिंग भी पूरी तरीके से ओके हो जाएंगी। ऐसे ही पूरे मेन हाईवे से लेके जहाँ से अयोध्या का रामपथ जाने वाला है वहाँ तक दोनों तरफ ऐसी पेंटिंग का निर्माण किया जा रहा है, मतलब पूरी दुल्हन की तरह पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है। भी आप देखेंगे कि अलग अलग दीवारों पे अलग अलग तरीके से पेंटिंग की जा रही है, कहीं पे पजल वाली पेंटिंग लग रही तो कहीं पे डायरेक्ट सीमेंट से ही पेंटिंग का निर्माण कराया जा रहा है। राम पथ जाने वाले रास्ते से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे पिलरों से सजाया जा रहा है, दोनों तरफ ऐसे पिलरों का निर्माण कराया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है अगर आप अयोध्या जी आने वाले हैं। ये शाम का नज़ारा है राम की पौड़ी का, देखिए आप कितने अच्छे से पूरा लाइटिंग की हुई है और बहुत अच्छे से, और शाम के समय अधिकतम भीड़ आपको राम की पौड़ी पे अभी देखने को मिलने वाली है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा राम की पौड़ी शाम के समय कैसा दिखता है।
ये नज़ारा है आज की अयोध्या का, आने वाली अयोध्या का, 22 जनवरी के बाद और चमकने वाली अयोध्या क्या। ये है राम की पौड़ी जिसे कि लेजर लाइटों से चमकाया गया है, चारों तरफ ऐसी ही लाइटें लगाई गई हैं। यही राम की पौड़ी के पास में सरयू आरती भी होती, शाम के 6 बजे का समय है सरयू आरती का। तो राम की पौड़ी विजिट करने के बाद हम पहुंचे सरयू नदी पे आरती देखने। आरती का जो नज़ारा है भाई बहुत ही खूबसूरत और शानदार होता है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप भी आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। आरती देखने के बाद हम पहुंचे सीधे नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन। ये है अयोध्या स्थित पुराना रेलवे स्टेशन। इसके जस्ट बगल में ही नए रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है जिसका उद्घाटन बहुत जल्द ही माननीय मोदी जी करने आने वाले हैं। तो चल के आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं आखिर कैसे निर्माण हो रहा है नए रेलवे स्टेशन का। ये है नया रेलवे स्टेशन जो कि अयोध्या में बनाया जा रहा है। और ये रेलवे स्टेशन जैसे अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है इंटरनेशनल, उसी की तर्ज पे एयरपोर्ट वाली फैसिलिटीज़ के साथ बनाया जा रहा है अयोध्या का ये रेलवे स्टेशन जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे भी निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये है अयोध्या का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन, मतलब पहले से अयोध्या में रेलवे स्टेशन है लेकिन वो आगे छोटी सी बिल्डिंग बनी थी, ये नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और 22 तारीख की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है। आप देख सकते हैं दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर आप अयोध्या जी आते हैं तो आपको अयोध्या में एक अलग ही रौनक नजर आने वाली है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने वाले हैं जिसकी तैयारी बहुत तेजी से पूरी अयोध्या में चल रही है। आपको हमारे चैनल पर अयोध्या में क्या तैयारियां चल रही हैं, जब तक अयोध्या में राम मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक बराबर अपडेट हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं, आपको कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अयोध्या रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और कमेंट में सभी भक्त जय श्री राम की जयकारे जरूर लगा दें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.